हाय फ्रेंड्स इनकी नम्बर किचन कोवै तिरुपूर मावट्टत्तिल प्रबलमान पुली वडै दा पाक्कपो रोम्बा सूपरा इरुक्कुम इंदा पुली वडै अदुक्कु मुन्नाडी नम्मा चैनल फर्स्ट टाइम पाक्कुरींगला अप्पा मरक्कामा सब्सक्राइब पण्णिट्टु पक्कत्तुल इरुक्कुर बेल बटनैयुम क्लिक पण्णिडुंग अप्पा दा नान पोडुर ओव्वोरु वीडियोवुम नोटिफिकेशन उडनुक्कुडन वंदु सेरुम वांगा इप्पा नम्मा किचनुक्कुल्ल पोलाम पाक्कलाम पुली वडैय एप्पडि सेय्युरदुन्नु நாம ஒரு டம்ளர் தண்ணி அரிசி ஊற போட்டுக்கலாம் இட்லி அரிசி தான் எடுத்துர்க்கேன் 250 கிராம் அதுவும் தோரம் பருப்பு 2 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு அது கூட ஒரு 7 காஞ்ச மிளகாய் வரமிளகாய்னு சொல்றோம் அதையும் போட்டு ஒரு சின்ன புளி சின்ன துண்டு புளியும் போட்டுர்க்கேன் சீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகமும் போட்டு நம்ம தண்ணி ஊத்தி நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு ஊற வச்சிரலாம் நல்லா கழுவிக்கங்க 2-3 தண்ணி நல்லா கழுவிட்டு ऊरा वचरल और मूणु मण नेर ऊरण तनी ऊती वेंगट ना ऊरा मिक्स नम्बर अरेचिकल कड़ला परप्पु 2 टेबल स्पून मेल पड़ी वड़ सुबदी ऊरा वे 2 टेबल स्पून वचर इला ऊरी 3 मण नेर और मिक्सि जार फर्स्ट वरमिगाय पुली अरसि अरसियम अरेचरल पाद पाद अरेचिकों ना अरेक मुड़ा रोम नईसा अरेकूड़ा रोम कुरकूड़ा इधर विद्यासान टेस्टा इप्ली अरेचिकन अद उपान अल्व नम्बर उपटकल और कल मूड़ तेटे नम्बर सुतिकल अदर स्पून सीरक करगपिल सीरक फर्स्टू पटर அரைக்கிறதுக்கும் இப்பவும் போட்டுக்கணும் வாசமா இருக்கும் நம்ம ஊற வச்ச கடலை பருப்பு 2 டேபிள் ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஊற வச்சிருக்கோம் அதையும் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் நல்லா இப்படி கலந்துக்கங்க இது ஒரு வித்தியாசமான டேஸ்டா இருக்கும் இந்த புளி வடை உளுந்த வடை நம்ம பருப்பு வடை எல்லாமே செஞ்சிருப்போம் இது இட்லி அரிசில வடை ஒரு வித்தியாசமான வடை ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இது ரொம்ப கிறிஸ்பியாவும் இருக்காது ரொம்ப சாஃப்ட்டாவும் இருக்காது इतमारा इम्ब और अलूमी कणाड़ी पेपर तटिकल और जिप्ला कवर असा तेचिटे अभी रोम तड़िया तेक रोम सन्नम तेक और मीडियम तेचिकल तटिकल इप्ली तटी एंजिकट मिधान सूड़ वजें रोम लो फ्लेम वाणा रोम हईल वाणा मिधम वचिकिड़ें वीन तटीपोटकल रे मूणा ओटर उन्होंने पटे इप्ड मोद मोद ऊतें रोम करियकूड़ा इत वी रोम क्रिस्पी आगकूड़ा ओर मिधम रे निषम रे निषंटे मरपक रिपी रे निषम रोम नेर वा ना वड कल मारि आरसिंग अब उड़न एड़ें इप्ली उन्होंने रोम अरमे रोम टेस्टा इत उमल रोम फेमसान उणविधु ओवेड़ें நிறைய பொருளும் தேவையில்லை அதிகமா நம்ம வீட்ல இருக்கிற இட்லி அரிசி வரமிளகாய் போட்டு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு குழந்தைகளுக்கு இதெல்லாம் கொடுங்க இது ஒண்ணா போட்டு கறியாம அப்படியே எடுத்துருங்க செஞ்சு பாருங்க ஒண்ணா எடுத்துறலாம் எண்ணெய் அதிகமாக குடிக்காது பார்க்கிறதுக்கு இப்படி இருக்கும் எண்ணெயே சுத்தமா குடிக்கல செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க थैंक यू